प्यारे बच्चों, हमारा चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो मेजर फेनोमेना है लाइट के, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें से आपको पहले रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है और फिर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो चल रहा है हमारा रिफ्लेक्शन। इसकी कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके क्या लॉज हैं, इसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और उसका वेक्टर फॉर्म, ये कुछ चीजें हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखो बेटा, रिफ्लेक्शन जैसा कि हमने पढ़ा, दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने क्या सीखा बेटा, उसके लिए जो आपका सरफेस है, जो जहां से रिफ्लेक्शन होगा, वो सरफेस क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, और हार्ड होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। और अगर आपको आपका जो सरफेस है वो सॉफ्ट है और रफ है, ठीक है बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मिलेगा। क्लियर है, ये दो चीजें हमने सीखा था। तो आपको रिफ्लेक्शन बेहतर ढंग से होता हुआ कहां दिखता है, स्मूथ सरफेस पर, ठीक है, स्मूथ एंड हार्ड सरफेस पर, ठीक है बेटा। तो हमको चूंकि यहां पर रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक जो बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया जा सकता है वो है मिरर, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे बेटा मिरर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, और रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर के बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मिरर होता क्या है बच्चे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मिरर, तो बेटे मिरर बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ठीक है, ग्लास का सरफेस लेना है, और उसके एक सरफेस को, क्लियर है, उसके एक सरफेस को क्या कर देना है, पॉलिश कर देना है। पॉलिश हम लोग किस चीज का करते हैं, जनरली सिल्वर या एल्यूमिनियम का करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाई सिल्वर, व्हाई एल्यूमिनियम, तो बेटे इसके पीछे का रीजन है कि सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर जो है वो सिल्वर होता है। लेकिन चूंकि सिल्वर काफी महंगा होता है, तो हम लोग एल्यूमिनियम का भी कर सकते हैं, ठीक है, बट बेस्ट रिफ्लेक्टर इज सिल्वर, चांदी, ठीक है। तो हमने एक ग्लास का वो लिया और उसके एक सरफेस को क्या कर दिया बेटा, पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया, किससे, सिल्वर से। और उसके बाद फिर एक कोटिंग कर देते हैं, किसी कलर या पेंट का कोटिंग कर देते हैं, ताकि वो सिल्वर की जो लेयर है, जो सिल्वर की पॉलिशिंग है, वो निकले नहीं। उसके लिए हम लोग उसको पेंट कर देते हैं। आ रही बात समझ में बेटा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, मिरर मिलता है। ओके, इस तरीके से हमें क्या मिलता है, मिरर। तो व्हाट इज मिरर बेटा, तो मिरर क्या है, ग्लास का एक टुकड़ा है, ग्लास का। अब वो ग्लास क्या हो सकता है बेटा, प्लेन हो सकता है या स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है, ग्लास का प्लेन या स्फेरिकल पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो सी मिरर, इट इज द पार्ट ऑफ प्लेन और स्फेरिकल ग्लास सरफेस हुज वन साइड इज सिल्वर पॉलिश्ड, हुज वन साइड इज सिल्वर पॉलिश्ड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिरर कहते हैं। मिरर क्या है बेटा, ये
प्लेन या स्फेरिकल ग्लास सरफेस का पार्ट होता है जिसके एक साइड को हमने क्या कर दिया है, सिल्वर पॉलिशिंग कर दिया है, तो ये बन जाता है क्या बेटा, मिरर। अपन जनरली जो मिरर पढ़ते हैं बेटा, मिरर इसको मोटे मोटे तौर पर दो कैटेगरी में अपन बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं प्लेन मिरर और एक को बोलते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर। क्लियर है ना, ये दो टाइप के होते हैं। फिर स्फेरिकल मिरर को हम लोग और बांट लेते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो इतनी सारी चीजें, एक और मिरर होती है पैराबोलिक मिरर, ठीक है, वो बट अपने को पढ़ना नहीं है। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो व्हाट इज प्लेन मिरर बेटा, प्लेन मिरर हो गया जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहेगा, प्लेन। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर, ठीक है बेटे। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लिख लेना, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है बेटे। तो अभी मोटा मोटी तौर पर प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर हम समझ गए, ठीक है। तो हम लोग जो अपनी रिफ्लेक्शन को पढ़ना शुरू करेंगे वो प्लेन मिरर से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चे। तो प्लेन मिरर की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। अच्छा बेटा, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग से बोला है, मिरर हो गया, लेंस हो गया, ये सब क्या है, ऑप्टिकल एलिमेंट है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ करके इन ऑप्टिकल एलिमेंट से टकराती है, टकराने के बाद उसके साथ या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो रिफ्रेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद या रिफ्रेक्शन होने के बाद जब ये रेस किसी पॉइंट पर मिलेंगे या मिलते हुए अपीयर होंगे तो वहां पर क्या बनेगा, इमेज। तो मिरर हो, लेंस हो, उसमें क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सिमिलरली प्लेन मिरर में भी जब रिफ्लेक्शन होगा तो यहां पर भी क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा। तो वी विल सी हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, क्लियर है। लेट्स सी इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक है बच्चे, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, क्लियर है। नाउ सी, हम लोग मिरर को, प्लेन मिरर को सिंबॉलिकली इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। सिंबॉलिकली प्लेन मिरर को इस तरीके से दिखाया जाता है। इसका नाम रख लेता हूं बेटा मैं MN। ये जो जिधर हैस किया हुआ है बेटा, है ना, इस ये वाला जो सब साइड होता है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग, मतलब इधर हमने क्या किया है, पेंट किया है, तो इधर लाइट नहीं जा सकती, ठीक है, या इधर से लाइट इस तरफ नहीं जा सकती, ठीक है बेटे। तो ये क्या हो गया आपका, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जिधर आपने पेंट नहीं किया है बेटा वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर। तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे पहचानना है आपको समझ में आ गया। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ बेटा, जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, इस साइड रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इधर से लाइट आएगी तो उसके साथ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इधर से रिफ्लेक्शन होगा,
ठीक है, दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड। तो हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखना होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड में रखना होता है। क्लियर है बच्चे, हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग साइड में रखना होता है। वेरी गुड। नाउ सी, तो हमने जब भी इमेज बनाना है तो वी विल रिक्वायर अ ऑब्जेक्ट, है ना, वी विल रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। तो बेटे ऑब्जेक्ट जो हो सकता है, ऑब्जेक्ट को जनरली हम दो तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट लेना है तो आप ले लो भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट, और अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट लेना है तो आप ले लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एकदम प्लेन सिंपल ऑब्जेक्ट की, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो केस वन, केस वन फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बेटे मान लो यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ओ, और इसका मुझे इमेज बनाना है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखो एक चीज तो क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, ठीक है बेटे, तो कम से कम ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे, है ना, ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे आपके मिरर के ऊपर इंसिडेंट होने ही चाहिए। कभी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट टू रेज शुड बी इंसिडेंटेड। हालांकि जब एक ऑब्जेक्ट को आप किसी के सामने रखते हो तो वहां से करोड़ों करोड़ों और जितना काउंट ही नहीं कर सकते हम, है ना, इतने रेज निकलते हैं। लेकिन आपको चूंकि उसको लोकेट करना है, देखना है कि कहां पर बनेगा, तो एटलीस्ट दो रेज आपको चाहिए ही चाहिए। क्लियर है आपके लिए, वहां होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, होते बहुत है, लेकिन आपको कम से कम दो रे को ट्रेस करना पड़ेगा ताकि आप इमेज को लोकेट कर पाओ। ठीक है, तो चलो यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक लाइट रे इस तरीके से डालेंगे, एक लाइट रे हमने इस तरीके से डाली। तो अगर आप गौर से देखोगे बेटा तो ये क्या है, किस प्रकार का इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है। हमने सीखा है बेटा कि जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है ना तो वो अपने उसी पाथ पर वापस आ जाता है। मतलब ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर के किधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है बेटे, अब मैंने बोला कि भाई कम से कम दो रे चाहिए, तो एक रे और ले लो बेटे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला रे यहां पर क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट हुआ तो मैं क्या कर लूंगा बेटा, एक परपेंडिकुलर डाल लूंगा जो नॉर्मल का काम करेगा। अब ये क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा तो इस तरीके से चले जाएगा। क्लियर है बच्चे, तो आपके पास देखो दो रे जो रिफ्लेक्ट हुए, एक ये थे और एक ये है। ठीक है, तो ये दो रे रिफ्लेक्ट हुए। हमने जब ये पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चे, डेफिनेशन पढ़ा। क्लियर है, हमने जब डेफिनेशन पढ़ा इमेज का, तो हमने क्या बोला बेटा, इमेज वो पॉइंट है जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज क्या होती है, मीट होती है या मीट होते हुए अपीयर होते हैं। तो पहले चेक करते हैं क्या सच में मीट हो सकते हैं। तो बेटा दो रे है, एक रे इधर जा रहा है और एक रे इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, कभी भी वो आपस में मिल नहीं सकते, इस तरफ कभी भी मिल नहीं सकते। तो वो क्या उपाय है भाई इसको मिलाने का, तो हम जब इधर से खड़े होकर के, जब हम इधर से खड़े होकर के इन दो रेस को देखेंगे, तो क्या मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है भाई, इस पॉइंट से, ये रे कहां से आ रही है भाई, इस पॉइंट से। तो हमें क्या नजर आएगा बेटा कि ये दोनों रे जो है ना, इस पॉइंट पर कहीं पर मिले होंगे और वहीं से चल करके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों रे यहां पर मिलते हुए क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। सच में मिल रहे हैं क्या, सच में तो मिरर के पीछे जा ही नहीं सकता, लाइट जा सकता है क्या मिरर के पीछे, नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा इमेज बन रहा है वो किस प्रकार का इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि यहां पर सच में नहीं मिल रहा है, सच में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो इमेज है वो क्या है बेटा, वर्चुअल इमेज है। गॉट दिस, कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो ये देखो बेटा हमारा इमेज लोकेट हो गया इस ऑब्जेक्ट का। यहां से जो हमें एक कंक्लूजन मिला कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है, उस मिरर के
परपेंडिकुलर लाइन पर ही बनेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डालो इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डालो इमेज के ऊपर, सॉरी मिरर के ऊपर, और उसी लाइन पर आपका क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा हमेशा। ठीक है, क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि मान लो अगर मैं इस तरीके से एक मिरर को रख दूं, यहां पर एक मिरर को रख दूं और बोलूं कि इस पॉइंट का इमेज लोकेट करो, तो हम कई बच्चे क्या कर सकते हैं गलती से, ऐसा कर सकते हैं, ये लो सर इमेज बन गया, ठीक है ये लो इमेज बन गया इसका इधर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहां इमेज बनेगा बेटा, आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है इस तरीके से। ठीक है, ये जो लाइन है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा बनेगा परपेंडिकुलर लाइन पर। आ रही क्या बात समझ में, यहां से यहां नहीं बनेगा। ओके गॉट दिस, तो भाई हमेशा परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी लाइन पर आपका इमेज होगा। क्लियर सी बात, तो दिस इज केस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट और इमेज इस कंडीशन में कैसा बना हमने देखा। क्लियर है, अब यहां पर और कुछ छोटी छोटी चीजें गौर करोगे बेटा, तो आपने देखा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने था, इमेज मिरर के पीछे बना, पहली बात। दूसरी चीज कि ये जो इमेज बना वो क्या है, वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट जो हमने लिया है वो रियल है। जनरली हम रियल ऑब्जेक्ट की ही बात करते हैं, स्पेशल केस होगा तब हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी समझ के चलो कि रियल ऑब्जेक्ट की बात, तो रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसा बना बेटा, वर्चुअल बना। और एक चीज देखोगे बेटा कि ये जितना सामने है मिरर के उतना ही पीछे क्या है आपका, इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट देखो पॉइंट साइज का था, इमेज भी क्या है, पॉइंट साइज का ही है। क्लियर है, ऑब्जेक्ट भी पॉइंट साइज का, इमेज भी पॉइंट साइज का, मतलब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से ना तो छोटी हुई ना तो बड़ी हुई, यानी सेम साइज की रही। तो इतना कुछ कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई, तो ये था केस वन। नाउ वी विल टॉक अबाउट केस टू, दैट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो केस टू, फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटे, चलो देखते हैं, फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो अगेन ये हमने ले लिया बेटा एक मिरर एम एन। ठीक है, और यहां पर हमने लिया एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटे, ये हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको मान लो मैंने पैर बोला, इसका ये क्या है, लेग है, और ये इसकी क्या है, मुंडी है। ठीक है, ये इसकी लेग है और ये इसकी मुंडी है। ओके, अब मुझे इसका क्या करना है, इमेज लोकेट करना है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, जब अपन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात, पॉइंट को लोकेट करना सीख गए हम लोग, अब जब हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसमें एक पॉइंट्स की जगह बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा। तो सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जब हम एक एक पॉइंट को लोकेट करेंगे तो उसका क्या उपाय है। तो हम क्या करते हैं बेटा, दो पॉइंट्स को पकड़ते हैं, है ना, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बाकी के जो पॉइंट्स है उसके बीच में ही बनेंगे, है ना, तो अपने को सारे पॉइंट्स को लोकेट करने की जरूरत नहीं होती है, बस दो पॉइंट को लोकेट करने की जरूरत होती है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये पॉइंट जब मैंने लिया बेटा, तो हम क्या करेंगे, एक लाइट लाइट रे हमने नॉर्मली इंसिडेंस कराई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से चला जाएगा, फिर एक रे जो है वो मैंने इस तरीके से इंसिडेंट कराई, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये दोनों रेज जो हैं वो क्या होंगे, अगेन इधर मिलेंगे नहीं, हम इसको पीछे ये करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो इसका इमेज कहां बन जाएगा बेटा, यहां बन जाएगा बी डैश। सिमिलरली ए को लोकेट करना चाहेंगे, एक रे जो है मैंने नॉर्मल इंसिडेंस कराई, ये इस तरफ चला जाएगा,
ठीक है बेटे। तो ये इस तरीके से हो गया, एक लाइट रे मैंने कुछ एंगल पर इंसिडेंस कराया तो ये देखो ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया। तो ए कहां लोकेट हुआ बेटा, यहां पर ए डैश। तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो इसके बीच में ही होंगे, तो दिस विल बिकम आवर इमेज। व्हाट दिस, तो ये हो गया बेटा हमारा इमेज ए डैश बी डैश। अच्छे से समझ में आया सब आप सभी बच्चों को, ठीक है, ए डैश एंड बी डैश। तो ये हो गई बेटा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज। अब अगर हम इस इमेज को अच्छे से देखें और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखना चाहें, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। जब भी इमेज की प्रॉपर्टी की बात आती है बेटा, जब भी इमेज की प्रॉपर्टी की बात आएगी वहां पर तीन चीजें आपको बतानी होती है। एक होता है बेटा पोजीशन। तो पोजीशन क्या है बेटा, बिहाइंड द मिरर। ओके, दूसरी चीज जो है वो क्या होती है बेटा, नेचर। तो इस यहां पर जो इमेज बन रहा है वो कैसा है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सॉरी, नेचर जो है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरी चीज है साइज। तो साइज देखो बेटा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या बनेगा आपका इमेज बनेगा, यानी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये हो गया बेटा। इसमें कुछ और चीजें देखने को मिलती है। प्लेन मिरर बहुत ही कॉमन है, हमारे घरों में होता है, हम अपने आप को देखने के लिए उसको यूज करते हैं, ड्रेसिंग टेबल हो, हर जगह पर आपको जो है प्लेन मिरर देखने को मिल जाता है। तो प्लेन मिरर में एक और अच्छी चीज देखने को मिलता है हमको बेटे, कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर के अपने राइट हैंड को वेव करो तो ऐसा लगता है कि इमेज कौन सा अपना हैंड वेव कर रहा है, लेफ्ट हैंड। और जब हम अपना लेफ्ट हैंड वेव कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि मिरर इमेज अपना राइट हैंड वेव कर रहा है। मतलब ये साइड्स का क्या हो जाता है बेटा, अदला बदली हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, मेरा राइट उसका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट उसका राइट, इस तरीके का साइड की इन्वर्जन हो जाती है, उल्टी पल्टी हो जाती है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन। दैट मींस कि यहाँ जो इमेज फॉर्म होता है वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज होता है। इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है बच्चे, और एक चीज क्या बेटा, कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस दोनों क्या होता है, सेम होता है। मिरर से ऑब्जेक्ट और मिरर से इमेज का डिस्टेंस सेम होता है। डिस्टेंस of object from mirror equal to distance of image from mirror। ठीक है बेटे, तो ये जो पांच है वो प्रॉपर्टीज हो गए इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर की, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर की ये पांच प्रॉपर्टीज हो गई। ओके बच्चे, चलो तो अब हमें समझ में आ गया कि इमेज बनाना कैसे है मिरर में। सॉरी,
बेटे अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर वन, आपको बोला गया है कि मान लो इस तरीके से दो मिरर रखे गए हैं। एक मिरर मान लो इसका नाम है M1 और दूसरा मिरर रखा गया है M2। दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इंक्लाइंड है। इसको बोल दिया हमने एंगल थीटा। ठीक है बेटे, इसको हमने क्या बोल दिया, एंगल थीटा। आपसे पूछा जा रहा है कि एक लाइट रे को इस तरीके से इंसिडेंट कराया जाता है पैरेलल टू द दिस मिरर। इस मिरर के पैरेलल में एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया जाता है। कि बच्चे इस तरीके से रे को इंसिडेंट कराया जाता है और बोल रहा है कि ये जो एंगल है इनके बीच में, इस थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट लाइट रे रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या कर ले, अपने को रिट्रेस कर ले। ध्यान से समझना, क्या कर ले, रिट्रेस कर ले। जब भी आपको बेटा ये चीज एकदम ध्यान में रख लो, जब भी बात आए रिट्रेसिंग की तो ध्यान रखना कि उसको क्या होना पड़ेगा, रिवर्स बैक होना पड़ेगा। लाइट को क्या होना पड़ेगा, रिवर्स होना पड़ेगा। और रिवर्स कब होता है, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है। याद है आपको, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है किसी मिरर पर, है ना, ये अगर मिरर है इस पर इस तरीके से पड़ेगा तभी ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बैक हो जाएगा। क्लियर है? तो रिट्रेस बैक करने के लिए आपको जो लाइट रे है उसको क्या होना पड़ेगा, नॉर्मल इंसिडेंस करना पड़ेगा। लेकिन वो कब चाहिए बेटा, थर्ड रिफ्लेक्शन पर चाहिए। कब चाहिए, थर्ड रिफ्लेक्शन। थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद उसको क्या हो जाना चाहिए, रिट्रेस बैक करना है। मतलब तीसरा जो टक्कर होगा उसका मिरर के साथ वो कैसा होगा, वो होगा परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। अच्छा यहां से देखो, ये इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इस एंगल को हमने ले लिया भाई थीटा। इस एंगल को हमने ले लिया थीटा, तो आपको ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आपको डालना पड़ेगा नॉर्मल, हमने नॉर्मल डाल लिया बेटा। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा तो ये इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो आपको जैसा कि बताया था बेटा, आपको देखो यहां पर क्या है, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये मिरर हो गया। इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बनाता था उसको क्या बोलते थे, ग्लांसिंग एंगल। याद है, तो ग्लांसिंग एंगल भी क्या होता था, बराबर हुआ करता था। तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। आगे बात समझने में, ठीक है, तो ये लाइट रे इधर से आया, रिफ्लेक्ट होकर के यहां आया, तो ये पहला रिफ्लेक्शन हो गया बेटा। अब यहां पर क्या होगा, दूसरा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्शन, तो अगेन अपन क्या करेंगे बेटा, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना, और ये जितने एंगल के साथ आया है उतने एंगल के साथ ये क्या होगा, ऐसा चला जाए। लेकिन हमको ये पता है कि जब ये तीसरी बार टकराएगा तो ये कैसे टकराना चाहिए, 90 डिग्री पर टकराना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरी तरीके से वापस आ जाएगा और ये फिर से सेम जैसे जैसे आया था वैसे वैसे चला जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, तो ये एंगल थीटा था, ये थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है और ये मुझे पता नहीं क्या है, तो इसको इतना तो पता है कि ये क्या हो जाएगा हमारे लिए आई और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बेटा, तो इसको भी मैं क्या ले लेता हूं, आई।
तो चूंकि ये 90 हो गया बेटा, तो ये और ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए बेटा, 90 होना चाहिए। तो 2i प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। 2i इक्वल 2i प्लस थीटा इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो बेटा यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2i इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 45 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है भाई, ये पता चल गया अपने को। तो ये एंगल i है, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, दिस एंगल, क्योंकि ये नॉर्मल है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, दिस एंगल 90 माइनस आई, इसको मैं बोल देता हूं थीटा डैश, तो थीटा डैश इक्वल्स टू 90 माइनस आई, तो 90 माइनस आई देखो कितना है, 45 माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2, तो ये सॉरी ये कितना बचा, 45 प्लस थीटा बाई 2, ये हो गया थीटा डैश। तो बेटा चूंकि ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलकर के क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, थीटा प्लस थीटा डैश शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा प्लस थीटा डैश कितना है बेटा, 45 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90, तो ये 45 उधर चला गया और इधर रह गया 3 थीटा बाई 2, तो ये कितना बचा बेटा, 45 डिग्री, 3 से बैठ गया 15, थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 30 डिग्री। तो यहां पर देखो हमने क्या किया, प्योर 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 ज्योमेट्री का यूज है, प्योर ज्योमेट्री का यूज है। तो बच्चे इसमें आपको क्लास 10th में जो ज्योमेट्री पढ़ी है आपने, उसका भरपूर उपयोग होता है, ठीक है। इसमें फिजिक्स बहुत कम है, ज्योमेट्री बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आपको पूछे जाएंगे एंगल निकालने वाले। तो इसमें आपको सिंपल बेसिक रूल्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ज्योमेट्री का तड़का लगाना पड़ेगा और आपको आंसर लाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर बच्चे मैं ये पूछूं आपसे कि मिरर का जो प्लेन मिरर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, तो आप बोलोगे सर हम लोग अपने आप को देखने के लिए, है ना, अपने आप को देखने के लिए मिरर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं बताओ। प्लेन मिरर का सबसे ज्यादा यूज किस लिए होता है, अपने आप को देखने के लिए, है ना, हम अपने आप को देखते हैं मिरर के सामने, सजाते हैं, सवारते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा यूज होता है प्लेन मिरर का, ओके, लड़कियों के लिए स्पेशली, वो तो घंटों बिता देते हैं भाई, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हम लोग। अब ये सोचो कि अगर मैं अपना फुल इमेज देखना चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं अपना फुल इमेज देखना चाहता हूं तो कम से कम मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है बेटे, अगर मैं ये जानना चाहता हूं मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ आवर सेल्फ, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ योर सेल्फ या आवर सेल्फ, क्लियर है, इसको देखना चाहते हैं। बेहतरीन यूज है बेटा, बेहतरीन यूज है ज्योमेट्री का, इसमें ज्योमेट्री और थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों की ही पूरी बात है। तो अगर आपको ज्योमेट्री में कुछ दिक्कत हो तो क्लास 10th से थोड़ा सा रिवाइज कर लो, आपको यहाँ पर काफी यूज आएगा, ठीक है। तो चलो बेटा बात करते हैं। तो मान लो बेटा ये एक मिरर है इनफाइनाइट लंबाई का, बहुत बड़ा मिरर है मेरे पास, बहुत बड़ा मिरर है, अंत ही नहीं है इसे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हम जो है, हमारी तो लिमिट है, हम इनफाइनाइट लेंथ के नहीं हो सकते, हमारी तो कुछ तो लिमिट है। तो मान लो बेटा हमारी जो लेंथ है, हम जो है इस तरीके की, ऐसा कभी आदमी दिखता नहीं है बट मैं ऐसा दिखा रहा हूं, ठीक है, मान के चलो इस तरीके का दिखा रहा हूं। ये इस आदमी का क्या है बेटा, पैर है, और ये इस आदमी की मुंडी,
और ये आदमी जो है वो बड़ा ही विचित्र प्रकार का है। विचित्र किस प्रकार से? जनरली क्या होती है बेटा, देखो हमारी जो आंखें हैं वो हमारी मुंडी से थोड़ी सी नीचे होती है ना, देखो हमारे हमारी आंखें जो है वो हमारे मुंडी मतलब टॉप पॉइंट से वो थोड़ी सी नीचे होती है। लेकिन इस आदमी को मैं विचित्र मानता हूं और ये मानता हूं कि इसकी जो आंखें हैं वो सर के ऊपर लगी हुई है, इसकी आंखें सर के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, हमने उसके सर पे ही उसकी आंखें मान ली। क्लियर? ठीक है भाई। अब देखो जनरली हमें चीजें दिखती कैसे, चीजें हमें तब दिखती है जब वहां से लाइट चल करके हमारे आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, जब लाइट वहां से चल करके हमारे आंखों तक पहुंचती है तब हम उस चीज को देख पाते हैं। क्लियर? देखो तो भाई इसका इमेज है, इसका इमेज कैसा बनेगा ये चीज तो हम कर चुके हैं, इमेज कैसा बनेगा तो ये चीज हम कर चुके हैं। इसका इमेज जो है भाई कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है बेटे, इसका इमेज इस तरीके से, तो इसको क्या देखना है, इसका इमेज देखना है। इमेज कैसे देखे, इमेज का ये क्या है बेटा, पैर है ए डैश और ये इसकी क्या है मुंडी है बी डैश। तो जब इसको पैर को देखना पड़ेगा तो पैर से लाइट रे यहां तक आनी चाहिए। ठीक है बेटे, इस तरीके से पैर से इसकी इमेज देखना है ना, किसको देखना है, इमेज को देखना है। ठीक है, तो इमेज से यहां तक आनी चाहिए। कैसे आएगा भाई, तो ऑब्जेक्ट तो यहां है ना, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहां चलेगी और टकरा करके ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये आ गया बेटा, इसको पैर दिख गया। सिमिलरली मुंडी कैसे दिखेगी बेटा, मुंडी ये लाइट रे यूं जाएगी है ना और यूं वापस आ जाएगी। क्लियर है बेटे, तो देखो सब कहां मिले बेटा, यहां मिले। तो यहां पर देखो इसको पैर भी दिख गया, मुंडी भी दिख गया, तो ये इसने इसके इमेज को ए डैश बी डैश को देख लिया। अब आप अगर गौर से देखो बेटा तो मिरर का कौन सा हिस्सा यूज हुआ, कौन सा हिस्सा यूज हुआ, यही हिस्सा यूज हुआ ना, इतना ही हिस्सा तो यूज हुआ। इधर का मिरर नहीं भी होता, इधर का मिरर नहीं भी होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इधर का भी मिरर नहीं होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इमेज हमें फिर भी फुल दिखाई देते। ये पूरा इमेज दिख जाएगा कि नहीं बेटे, ये पूरा इमेज हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो इमेज पूरा देखने के लिए मुझे जितना पोर्शन मिरर का यूज हुआ दैट इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, दैट इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, व्हाट दिस। तो हमें क्या करनी है बेटा, इसको निकालना है। ठीक है, वेरी गुड। तो मान लिया बेटा मैं कि इस विचित्र इंसान का जो हाइट था वो क्या था, एच था। वेरी गुड। नाउ सी, आपको पता है बेटा कि ये जब इस पॉइंट पर गिरेगा तो ये क्या काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा, और ये जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, और ये जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का काम करेगा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर है बेटे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो मान लो बेटा, मान लो कि ये जो पोर्शन है वो एक्स है, तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन क्या होगा बेटा, एच माइनस एक्स होगा, कोई शक है इसमें, बिल्कुल नहीं है। और ये मान लो मिरर से कितनी दूरी पर खड़ा है, ये मान लो मिरर से एल डिस्टेंस पर खड़ा है। तो इस वाले ट्रायंगल में आओ बेटा, और इस वाले ट्रायंगल में मैं बोलता हूं कि बेटा फाइंड करो टेन थीटा, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया एच माइनस एक्स अपॉन बेस हो गया सर एल, इक्वेशन नंबर वन। फिर ये वाले इसमें आओ, ये वाले ट्रायंगल यहां पर भी मैं बोलता हूं बेटा टेन थीटा निकालो, तो आप बोलोगे टेन थीटा इक्वल्स टू यहां पर मेरे पास परपेंडिकुलर एक्स है सर, बेस अगेन मेरे पास एल है, इक्वेशन नंबर टू है, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू है ना, एच माइनस एक्स बाय एल इक्वल्स टू एक्स बाय एल, एल एल कैंसल हो गया बेटा, देयर फोर एच माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो एच इक्वल्स टू टू एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आया बेटा, एच बाई टू। तो देखो यही एक्स तो ये है ना, तो ये देखो कितना आ गया एच बाई, कितना आ गया बेटा h बाई टू। आदमी की हाइट कितनी थी बेटा, h, मिरर कितना लगा हमको, h बाई टू, कितना मिरर लगा, h बाई टू।
और एक चमत्कारी चीज अपने को देखने को मिला कि आदमी मिरर से कितनी दूरी पर खड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी मिरर से कितनी दूरी पर खड़ा है, एल का तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा है भाई, एल का तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर भी खड़ा हो उसको मिनिमम कितने हाइट की जरूरत पड़ेगी मिरर की, दैट इज एच बाई टू। अगर इंसान एच हाइट का है तो मिरर चाहिए एच बाई टू। गॉट दिस? ठीक है, तो ये हो गया बेटा। आपको याद रखना है कि टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। लेकिन सर आप जो बोल रहे हो कि आंखें जो है वो टॉप पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, तो ऐसा होता नहीं है। अगर हम ये मान लें, मतलब जो ओरिजिनल केस है उस केस को लेकर के चले, तो क्या कोई चेंज आएगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब जो है हम लोग नॉर्मल इंसान की बात, ये विचित्र इंसान था, समझने में आसानी हुई इस विचित्र इंसान को लेकर के, है ना, चीजें हमें अच्छे से समझ में आई। लेकिन अगर हम एक्चुअल इंसान को लेकर के चले तो क्या होगा? चलो ठीक है बेटे, तो ये रहा मेरा मिरर। अगेन मैंने बहुत लंबा मिरर ले लिया और इस बार हमने ये माना कि ये इसका पैर है, ये इसकी मुंडी है और ये इसकी आंखें हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी आंखें, ये ई बोलता हूं यानी आई। ठीक है बेटे, और ये इसकी मुंडी। एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, ऐसा कर लिया। इसकी टोटल लेंथ मैंने ले ली बेटा सपोज 2 मीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 200 सेंटीमीटर। और मैंने माना, मान लो कि ये 20 सेंटीमीटर नीचे इसकी क्या है? आंखें। ऊपर से 20 सेंटीमीटर नीचे इसकी आंखें, और ये रह गई बेटा आपके पास कितना देन? 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी रह गई? 180 सेंटीमीटर। अब इसका मुझे क्या करना है? इमेज बनाना है। तो भाई इमेज बनाना तो हमें आ चुका है ना? ये बन गया हमारा इमेज। तो भाई आप ये सोचो, जब मुझे इमेज देखना होगा तो इमेज से आती हुई जो रेज है वो कहां पहुंचनी चाहिए? वो हमारे आंखों पे पहुंचनी चाहिए, है ना? कहां पहुंचनी चाहिए? आंखों पे। मुंडी पे पहुंचा के क्या करेंगे हम, है ना? पिछली बार अपन क्या कर रहे थे? मुंडी के टॉप पॉइंट पर आंखें माने थे, आंखें एज्यूम किए थे। लेकिन इस बार हम एक्चुअल केस ले रहे हैं, तो मुंडी से थोड़ी नीचे क्या होती है? आपकी आंखें होती है। ठीक, तो बेटा यहां पर रेज पहुंचनी चाहिए। मान लो मुझे इमेज के पैर को देखना है, इसको देखना है, तो क्या होगा बेटा? यहां से रेज यहां आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां है बेटा? यहां। तो ये इस तरीके से यहां आएगा और फिर रिफ्लेक्ट होकर के ऐसा चला जाएगा। क्लियर है? ये हो गया, आपको पैर दिख गया। ठीक है, अब ये मुंडी देखना बाकी है। भाई मुंडी कैसे दिखेगा? तो मुंडी से भी लाइट रे यहां पहुंचनी चाहिए, तो मुंडी से लाइट पहुंचाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कैसे दिखेगा बेटा? तो मुंडी तो यहां है, तो मुंडी से रे ऐसा जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से आएगा। तो ये देखो, मुझे दोनों चीजें दिख गई, पूरी इमेज दिख गई, पूरी इमेज दिख गई भाई। तो हमारे पास देखो कितना कितना मिरर यूज हुआ, कितना पोर्शन मिरर का यूज हुआ, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन ही यूज हुआ। ठीक है, बाकी इधर के पोर्शन नहीं भी रहेंगे तो चलेगा। इधर के पोर्शन नहीं भी रहेंगे तो चलेगा। क्लियर है बेटा? ऐसा हो गया।
ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, ये निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी होती है। तो चलो बात करते हैं बच्चे। तो यहां देखो, यहां पर ये नॉर्मल हो गया, ये अगेन थीटा हो गया, ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, थीटा हो जाएगा। तो ये देख रहे हो कितना है बेटा, 180 सेंटीमीटर है ना, ये क्या है 180 सेंटीमीटर। अगेन ये थीटा है, ये थीटा है, ये दोनों एंगल चूंकि सेम है ना, ये दोनों एंगल सेम है बेटा, ये और ये भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों भी सेम हो जाएगा। अरे क्या बात समझ में, क्लियर है, ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है ना, मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर। तो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया बेटा, 90 सेंटीमीटर हो गया, बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली बेटा इस तरफ आओ यहां पर, है ना, तो ये भी क्या हो गया, यहां पर नॉर्मल हो गया, अगेन ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बेटा, सेम होगा, थीटा थीटा, और अगर ये दोनों एंगल सेम है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, 20 सेंटीमीटर, आधा आधा बढ़ जाएगा बेटा, 10 और 10, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। स्टिल देखो क्या हो रहा है, इसकी मिरर की लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर आई, 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी बेटा, 200 सेंटीमीटर, और इसकी इमेज क्या आई देखो, 100 सेंटीमीटर, दैट इज h by 2। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको मिरर की हाइट उतनी ही चाहिए जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी आधी, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हाइट की हाफ हाइट जो है आपको मिरर की चाहिए ही चाहिए। आप चाहे विचित्र इंसान लो या फिर नॉर्मल इंसान लो, कुछ भी लो, ऑब्जेक्ट की हाइट की हाफ हाइट की मिरर चाहिए, ताकि आप उस मिरर की, उस ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देख पाओ। क्लियर है क्या, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया बात, ठीक है। तो ये हो गया कहानी। अब बेटा एक चीज और देखो, एक चीज और देखना पड़ेगा आपको, क्या इसका मतलब, चूंकि क्या बोलना चाह रहा था मैं, तो जो मिरर होती है, मिरर उसको अगर हम छोटा या बड़ा लेते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता है, ठीक है, छोटा या बड़ा लेते हैं तो फर्क क्या पड़ता है। अगर ये h by 2 चाहिए मुझे, और h by 2 से मैंने बड़ा ले लिया, या h by 2 से मैंने छोटा ले लिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा, मिरर चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ऑब्जेक्ट h by 2 से छोटी भी हो सकती है, h by 2 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मिरर की साइज इस h by 2 से अगर छोटी हुई, तो क्या पूरा इमेज नहीं बनेगा। नहीं, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला बेटा, ऑब्जेक्ट की अगर फुल साइज इमेज देखनी है तो मिरर की हाइट कम से कम उसकी आधी होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरी मिरर की हाइट आधी नहीं है, उससे छोटी है, तो इसका क्या मतलब निकालें, कि इमेज ही नहीं बन रहा है पूरा, या फिर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है पूरा। ये दो बातों में फर्क है। एक बात यह हो सकता है कि इमेज बन तो पूरा रहा है, बट मुझे दिखाई थोड़ा दे रहा है, या दूसरी चीज यह हो सकता है कि बन ही छोटा रहा है, इमेज ही हाफ पोर्शन का बन रहा है, थोड़े पोर्शन का बन रहा है। तो क्या फैक्ट है, तो बेटा याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, नोट, मिरर चाहे इतना छोटा हो, चाहे इतना बड़ा हो, या कितना भी बड़ा हो, मिरर की साइज से डिपेंड नहीं करता कि इमेज पूरा बनेगा या नहीं बनेगा। इमेज हमेशा फुल बनता है, ठीक है, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इररेस्पेक्टिव ऑफ हाइट ऑफ मिरर, ठीक है। तो फुल इमेज is always formed irrespective of size of mirror। मिरर के साइज से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इमेज हमेशा ही पूरा बनता है, ठीक है, इमेज हमेशा ही पूरा बनता है, एक बात। बट दिखाई कितना पड़ेगा,
है ना, इमेज का कितना पोर्शन दिखाई पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि उस मिरर की साइज क्या है। बट वॉट पोर्शन ऑफ इमेज विल बी सीन टू द ऑब्जर्वर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड लोकेशन ऑफ मिरर। अब देखो यहां पर मैंने एक और वर्ड जोड़ दिया है कि मिरर की साइज पर भी डिपेंड करता है और मिरर के लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। ये कैसे सर, मिरर के लोकेशन पे? तो देखो बेटा, इतनी इतनी साइज चाहिए मेरे को मिरर की, है ना, एच बाई टू, यानी ये 200 सेंटीमीटर का है, तो 100 सेंटीमीटर का मेरे को मिरर चाहिए। लेकिन आप ये सोचो, अगर ये 100 सेंटीमीटर का मिरर ऐसा करके रख दू तो फिर पूरा दिखाई देगा क्या? नहीं। इस 100 सेंटीमीटर के मिरर को यहां पे रखू तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, फिर दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। आ रही बात समझ में? तो कहां पर हमारा ये रखा हुआ है मिरर, वो भी डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चे, कहां पर रखा हुआ है? तो जैसे कि इस केस में देखो, ये कितना है बेटा, 90 सेंटीमीटर। ये कितना है? 90 सेंटीमीटर। ये कहां रखा हुआ है? 90 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अगर ये और कहीं पर होगा तो फिर पूरा इमेज हमें दिखाई नहीं दे। तो यहां दो बातें हैं बेटा, मिरर की साइज चाहिए कितनी, तो आधी, और कहां रखी होनी चाहिए, कहां रखी होनी चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखना बेटा। ठीक है, अगर आपको ऐसा डिफरेंशिएट करके नहीं दिया है कि उसकी आंखें कहां है, मुंडी कहां है, ये सारी चीजें नहीं दी हुई है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे 200 सेंटीमीटर का है तो 100 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए और 100 सेंटीमीटर ऊपर चाहिए, जैसा कि पिछले केस में आया था, है ना। पिछले केस में क्या था बेटा, ये आपका एच था, तो आपको यहां पर ऐसा इस तरीके का एच बाई टू लगा था, तो नीचे भी क्या बचा बेटा, एच बाई टू, तो एच बाई टू ऊपर पर जाकर के एच बाई टू हाइट का मिरर चाहिए। ठीक है, लेकिन इस केस में आप क्या देख रहे हो बेटा, इस केस में क्या देख रहे हो, आंख के नीचे का हिस्सा कितना है, 180 सेंटीमीटर, उसका आधे ऊपर जाकर के आपको पूरी ऑब्जेक्ट के हाफ हाइट का मिरर चाहिए। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। ठीक है, इसको जब तक आप ध्यान से नहीं सोचोगे, इसके ऊपर थिंक नहीं करोगे, तो आपको दिक्कत होगी, है ना, आप भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं इसको भी नोट करके लिखा दे रहा हूं, नोट, टू सी फुल साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट है बेटा, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, सिंपल ऑब्जेक्ट है, तब तो उसमें आंख वगैरह की कोई झंझट ही नहीं है, है ना, तो फिर तो सिंपल है। टू सी फुल साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट शुड बी एट हाइट एच बाई टू। कितने ऊपर होने चाहिए बेटा, एच बाई टू के ऊपर। ठीक है, ये जैसे कि ये मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट हुई, तो इमेज का मिरर कहां रखनी चाहिए, यहां रखनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, एच बाई टू, और ये कितने ऊपर होना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, एच बाई टू ऊपर। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, क्लियर है बच्चे। और अगर इंसान की बात कर रहा होगा तो कहां पर हाइट तो उतनी ही चाहिए, कितनी, आधी, लेकिन लोकेशन क्या होगा बेटा, आंख के नीचे के हिस्से का आधा। ठीक है, 180 सेंटीमीटर है तो 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने शब्दों में लिख लो याद रखने के लिए, अगर याद रहता है, ऐसे ही बिना लिखे तो भी ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई बेटा। ठीक है,
एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर टू। एग्जांपल नंबर टू क्वेश्चन है कि एक रूम है बेटा, मतलब एक कमरा है, इस तरीके का एक कमरा है। इस कमरे का एक वॉल जो है, एक वॉल वो मिरर है, ठीक है, और दूसरा वॉल का इमेज देखना चाहता है एक बंदा जो इस रूम में है और वो बीच में खड़ा है, ठीक है बेटे, बीच में एक बंदा खड़ा है, वो चाहता है कि इस इमेज का फुल इमेज ये देख पाए, इस वॉल का फुल इमेज देख पाए, तो मिरर कितने साइज की रिक्वायर्ड होगी। मान लो इसकी हाइट कितनी है बेटा, एच है, इस वॉल की हाइट कितनी है, एच है, और ये इसके मिड में खड़ा है, मिड में खड़ा है मतलब बेटा अगर ये एल है तो ये भी क्या होगा बेटा, एल होगा, ध्यान से समझना, क्लियर है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये मिरर है, मिरर से 2L इधर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन हुआ, किस चीज को देखना है मुझे, वॉल को देखना है, तो वॉल इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और देखना किसको है, इसको देखना है, तो इसके आंख तक पहुंचनी चाहिए रोशनी, है ना, लाइट रेस। तो बेटा यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इमेज लोकेट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका इमेज इस चीज का। तो अब आपको क्या करना है, पहले बेटा मान लो इस पॉइंट को देखना है और इस पॉइंट को देखना है, पहले इस पॉइंट को देखता हूं, तो इस पॉइंट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहां से रोशनी यहां तक आनी चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। तो कैसे आएगा बेटा, इस पॉइंट को देख रहे हो ना, है ना, ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो ये लाइट रे यहां से चल करके इस तरीके से आनी चाहिए और फिर रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से जानी चाहिए, क्लियर है, ऐसा हो गया बेटा। नाउ ये वाले पॉइंट को देखना है, इस वाले पॉइंट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से ऐसे लाइट आनी चाहिए, तो कैसे आएगी बेटा यहां से लाइट, तो ये यहां से ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ जाएगी, ठीक है, दिख गया, देखो। तो इस पूरे इमेज को देखने के लिए, है ना, इस पूरे इमेज को देखने के लिए देखो कौन सा पोर्शन यूज हुआ, दिस मच, है ना, ये पोर्शन ही यूज हुआ, हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, मिरर की ये साइज को निकाल लेनी पड़ेगी। तो देखो यहां पर अगेन आपको किस चीज का यूज पड़ेगा बेटा, तो भाई चाहिए आपको ज्योमेट्री, ठीक है, क्या चाहिए आपको, ज्योमेट्री चाहिए। तो कैसे करोगे यूज बेटा, कैसे करोगे, तो देखो क्या करें अपन, एक चीज तो पता है बेटा, यहां पर ये ऐसा डालूंगा तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है, फिर यहां पर इस तरीके से करूंगा तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा, फिर यहां पर ऐसा करूंगा तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा, तो इस तरीके की चीजें हो रही है, ओके। नाउ अगर मैं ये बोलूं, क्या बोलूं, अच्छा, और अगर ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, है ना, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो बेटा इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर मैं बोलू ये y है और tan थीटा निकालने बोलू, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y बाय 2l हो जाएगा, हो जाएगा ना बेटे, ये क्या हो जाएगा, y बाय 2l, और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई 2l हो गया, और यहां पे देखूंगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, इसको बोल देता हूं मैं y डैश, ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएगा l, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया यहां पर y डैश बाय
एल, ठीक है, वाई डैश बाय एल। तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो बेटा, देयरफॉर क्योंकि दोनों थीटा सेम है ना, ये दोनों थीटा सेम है, तो y बाई टू एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, वाई डैश बाई सॉरी एल, तो ये एल एल कैंसिल हो गया, तो वाई डैश इक्वल्स टू क्या आया, वाई बाई टू। ध्यान से देखना, तो ये वाली हाइट कितनी हो गई, वाई बाई टू। ओके, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी बेटा, वाई बाई टू। क्लियर है, ये वाली भी क्या हो जाएगी, वाई बाई टू। सिमिलरली इधर भी सेम है, तो आप अगर जैसा यहां पे किए वैसा इधर भी कर सकते हैं अपन, है ना, तो ये वाला एंगल सेम हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये केस सेम हो गया, तो ये वाली भी क्या आएगी बेटा, वाई आएगी। ठीक है, तो अब देखो अगर टोटल ये कितना हो गया बेटा, है ये y, y बाय टू, y बाय टू, ये भी y हो गया बेटा, ये भी क्या हो गया आपका, y हो गया, तो y प्लस y प्लस y कितना हो गया, 3y, और ये टोटल कितना है बेटा, h, दिस इज इक्वल टू h, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू देखो क्या आ रहा है, h बाय 3, y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, h बाय 3। तो कितना मिरर का पोर्शन यूज हुआ बेटा, y यूज हुआ था, तो y इक्वल्स टू क्या आया देखो, h बाय 3। तो इस समय कितना कम से कम हाइट आपको चाहिए बेटा, दैट इज h बाय 3, कितना चाहिए आपको, h बाय 3। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में प्योर ज्योमेट्री का यूज होता है और थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज होता है। ठीक है बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करेंगे बच्चे, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, बाय बाय बच्चों।